नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो आईपीएल 2024 का मैच नंबर 46 खेला जाएगा आज यानी कि 28 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में इंडियन टाइम के हिसाब से शाम के 7:30 बजे से यानी कि 7:30 PM से। तो आज की इस वीडियो में इस मुकाबले का कंप्लीट मैच प्रीव्यू करने वाला हूँ, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि इस मैच के लिए एम ए चिदम्बरम स्टेडियम की पिच रिपोर्ट क्या है, जबकि इस मैच में दोनों टीमें किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरने वाली हैं। इसके अलावा इस मैच में एम ए चिदम्बरम स्टेडियम की पिच पर कौन से गेंदबाज और बल्लेबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित होंगे और किसको आपको अपनी फैंटेसी 11 में लेना चाहिए, जबकि इस मुकाबले का मैच प्रेडिक्शन भी करने वाला हूँ। तो ओवरऑल ए टू जेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस मैच से जुड़ी इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए ओवरऑल ये वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव। इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, ताकि आपको क्रिकेट और आईपीएल से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और अपडेट्स लगातार मिलती रहें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप आईपीएल 2024 से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज एंड अपडेट्स, इसके अलावा हर आईपीएल मैच से पहले फाइनल पिच रिपोर्ट, मैच प्रेडिक्शन और फाइनल फैंटेसी टीम पाना चाहते हो तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसके अलावा कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर पिंड मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं आईपीएल 2024 के मैच नंबर 46 के लिए एमए चिदम्बरम स्टेडियम की पिच रिपोर्ट के बारे में। तो अगर हम रीसेंट आईपीएल मैचेस की बात कर लें जो कि इस मैदान पर खेले गए हैं, तो आईपीएल 2024 के अभी तक 4 मैचेस इस मैदान पर हो चुके हैं, जिनमें से एक मैच फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने जीता है, जबकि 3 मैच सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। इसके अलावा एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 182 रन्स का है, तो वहीं एवरेज सेकेंड इनिंग्स का स्कोर 168 रन्स का रहा है। तो आप इन आईपीएल 2024 में खेले गए मैचों के स्टैट्स से क्लियरली देख सकते हो कि हाल फिलहाल में एम ए चिदम्बरम स्टेडियम की पिच पर जिस टीम ने सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग करी है उस टीम को ज्यादा एडवांटेज मिला है। इसी वजह से आईपीएल 2024 में इस मैदान पर चेस करने वाली टीम्स ने ज्यादातर मुकाबले जीते हैं। एम ए चिदम्बरम स्टेडियम की पिच एक बैटिंग फ्रेंडली पिच है, इस पिच पर बल्लेबाजी करना पूरे मैच में काफी आसान साबित हो रहा है क्योंकि गेंद बल्ले पर काफी अच्छी तरीके से आ रही है। इसी वजह से बल्लेबाज पिच पर मौजूद पेस एंड बाउंस को ट्रस्ट करके अपने शॉट्स काफी आसानी के साथ खेल पा रहे हैं और यही कारण है कि आपको इस मैदान पर हाल फिलहाल में काफी हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को मिले हैं। आईपीएल 2024 के जो 4 मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं उनकी 3 पारियों में आपको 200 के ऊपर का स्कोर देखने को मिला है, जबकि 2 पारियों में 170 से 180 के बीच का स्कोर बना था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि आईपीएल 2024 में एम ए चिदम्बरम स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों को कितना ज्यादा सपोर्ट कर रही है। और इस मैच के लिए भी यही रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं कि एक बार फिर से आपको एक बेहतरीन पिच नजर आएगी बल्लेबाजी के लिए, तो फिर से आप हाई स्कोरिंग मुकाबले की उम्मीद कर सकते हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बाउंड्री डायमेंशंस की। तो एम ए चिदम्बरम स्टेडियम ज्यादा बड़ा मैदान नहीं है, यहाँ पर आपको ऑफ साइड की स्क्वायर बाउंड्री 66 मीटर्स की देखने को मिलती है, तो वहीं पर लेग साइड की स्क्वायर बाउंड्री 67 मीटर्स की है और सामने की तरफ यानी कि स्ट्रेट बाउंड्री 78 मीटर्स की है। तो ये मैदान सामने की तरफ थोड़ा सा बड़ा है लेकिन स्क्वायर बाउंड्री ज्यादा बड़ी नहीं है, इसी वजह से आपको यहाँ पर भी काफी ज्यादा चौके और छक्के देखने को मिलते हैं। और इस मैच में जिस प्रकार की बैटिंग लाइनअप सीएसके और एसआरएच के पास मौजूद होगी, एक बार फिर से आपको बहुत ज्यादा चौके और छक्के देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आईपीएल 2024 में इस मैदान पर जो 3 मुकाबले चेस करने वाली टीम्स ने जीते हैं उनमें से 2 मुकाबलों में फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 180 के नीचे बना था, जो कि आसानी के साथ चेस हो गया था। और पिछला मैच जो इस मैदान पर खेला गया था सीएसके और एलएसजी के बीच में, उस मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 212 रन के टारगेट को भी सक्सेसफुली चेस कर लिया था, जो कि इस मैदान पर आईपीएल इतिहास का हाईएस्ट सक्सेसफुल चेस था।
तो आप देख सकते हो कि इस साल एम ए चिदम्बरम स्टेडियम पर चेस करने वाली टीम को बहुत ज्यादा एडवांटेज मिल रहा है, क्योंकि दूसरी पारी में इस मैदान पर काफी ड्यू भी आती है और ड्यू आने के बाद ये पिच बल्लेबाजी के लिए और भी ज्यादा आसान हो जाती है, जबकि सेकेंड इनिंग्स में गेंदबाजी करने वाली टीम को काफी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इस मैच में भी मुझे लगता है कि जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो गेंदबाजी करने का ही फैसला करेगा और एक बार फिर से चेस करने वाली टीम को ज्यादा एडवांटेज मिल सकता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस मैदान पर खेले गए आईपीएल 2024 के मैचों के कुछ रिकॉर्ड्स की। तो जो हाईएस्ट टोटल इस मैदान पर बना है वो एलएसजी का है सीएसके के खिलाफ 213 रन 4 विकेट के नुकसान पर। लोएस्ट टोटल केकेआर का है सीएसके के खिलाफ 137 रन 9 विकेट के नुकसान पर। हाईएस्ट टोटल जो चेस हुआ है वो एलएसजी ने किया है सीएसके के खिलाफ 213 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और लोएस्ट टोटल जो डिफेंड हुआ है वो सीएसके ने किया है जीटी के खिलाफ 206 रन 6 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस मैच में एम ए चिदम्बरम स्टेडियम की पिच पर कौन से गेंदबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं, स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स। तो जो लास्ट 4 आईपीएल मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं अगर हम उनके रिकॉर्ड्स की बात कर लें तो उसमें टोटल 32 विकेट्स फास्ट बॉलर्स ने लिए हैं जबकि 9 विकेट्स स्पिनर्स को मिले हैं। राइट आर्म फास्ट बॉलर्स ने 20 विकेट्स लिए हैं जबकि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स को 12 विकेट्स मिले हैं। राइट आर्म ऑफ स्पिनर्स ने 2 विकेट लिए हैं, इसके अलावा राइट आर्म लेग स्पिनर्स को 3 विकेट मिले हैं, तो वहीं लेफ्ट आर्म स्पिनर्स ने 4 विकेट्स लिए हैं। तो आप इन लास्ट 4 आईपीएल मैचेस के स्टैट्स से क्लियरली देख सकते हो कि हाल फिलहाल में एम ए चिदम्बरम स्टेडियम की पिच से तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिल रही है, इसी वजह से फास्ट बॉलर्स ने स्पिनर्स के कंपैरिजन में ज्यादा विकेट्स भी चटकाए हैं। जो लास्ट आईपीएल मैच इस मैदान पर खेला गया था सीएसके और एलएसजी के बीच में, उस मुकाबले में टोटल 8 विकेट्स गिरे थे जिसमें से 7 विकेट्स फास्ट बॉलर्स ने लिए थे। खास तौर पर जो शुरुआती 6 ओवर्स होते हैं दोनों इनिंग्स के यानी कि पावर प्ले ओवर्स, उसमें तेज गेंदबाजों को पिच से थोड़ी मदद मिलती है, नई गेंद स्विंग भी करती है जबकि उनको पिच से सीम मूवमेंट और अच्छा बाउंस भी मिलता है, इसी वजह से दोनों इनिंग्स के पावर प्ले ओवर्स में फास्ट बॉलर्स इफेक्टिव साबित होते हैं। और इस मैच में भी जिस टीम के तेज गेंदबाज शुरुआती 6 ओवर्स में सही लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करेंगे वो आपको 1 या 2 विकेट्स भी चटकाते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि इसके बाद मैच जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो मिडिल ओवर्स और डेथ ओवर्स में इस पिच पर वो तेज गेंदबाज ज्यादा विकेट चटकाने में सफल होंगे जो वेरिएशंस का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे यानी कि स्लोअर डिलीवरीज और ऑफ कटर्स फेंकेंगे। इसके अलावा अगर स्पिनर्स की बात कर लें तो हाल फिलहाल में इस पिच से स्पिनर्स को बहुत ज्यादा मदद नहीं मिली है, इसी वजह से स्पिनर्स ने ज्यादा विकेट्स भी नहीं चटकाए हैं। लेकिन मिडिल ओवर्स में इस पिच से स्पिनर्स को थोड़ा ग्रिप और टर्न मिलता है और इस मैच में सीएसके और एसआरएच दोनों टीमों के पास कुछ क्वालिटी स्पिनर्स भी मौजूद होंगे, तो दोनों इनिंग्स के मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स भी आपको 1 या 2 विकेट्स चटकाते हुए नजर आ सकते हैं। पर ओवरऑल इस मैच में भी स्पिनर्स को पिच से बहुत ज्यादा मदद नहीं मिलेगी। तो ऐसे में दोस्तों मेरा आपके लिए ओवरऑल सजेशन यही रहेगा कि अगर आप फैंटेसी 11 बना रहे हैं तो आपको अपनी प्लेइंग 11 में फास्ट बॉलर्स ज्यादा इंक्लूड करने चाहिए इन कंपैरिजन टू स्पिनर्स, और आप 3-1 के कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हो जहां पर आप 3 फास्ट बॉलर्स और 1 स्पिनर को अपनी फैंटेसी 11 में रख सकते हो। 1 स्पिनर में आप 1 लेफ्ट आर्म स्पिनर के साथ जा सकते हो। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस मैच के लिए दोनों टीमों की एक्यूरेट प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले चेन्नई सुपर किंग्स की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में बात कर लें तो आपको सीएसके की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार की नजर आ सकती है। ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के साथ अजिंक्य रहाणे, नंबर 3 पर आ सकते हैं डैरिल मिचेल, नंबर 4 पर रविंद्र जडेजा, नंबर 5 पर शिवम दुबे, नंबर 6 पर मोइन अली, नंबर 7 पर विकेटकीपर बल्लेबाज एमएस धोनी, नंबर 8 पर दीपक चहर, नंबर 9 पर तुषार देशपांडे, नंबर 10 पर मुस्ताफिजुर रहमान और नंबर 11 पर मतीशा पथिराना आ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जब सीएसके की टीम गेंदबाजी करेगी तब इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर टीम राइट आर्म फास्ट बॉलर शार्दुल ठाकुर को इस्तेमाल कर सकती है बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे की जगह पर। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एसआरएच यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो आपको एसआरएच की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार की नजर आ सकती है।
ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे ट्रेविस हेड के साथ अभिषेक शर्मा। नंबर 3 पर आ सकते हैं एडन माक्रम। नंबर 4 पर विकेटकीपर बल्लेबाज हेनरिक क्लासन। नंबर 5 पर अब्दुल समाद। नंबर 6 पर नीतीश कुमार रेड्डी। नंबर 7 पर शाहबाज अहमद। नंबर 8 पर कप्तान पैट कमिंस। नंबर 9 पर भुवनेश्वर कुमार। नंबर 10 पर जयदेव कुनाटकट और नंबर 11 पर मयंक मारकंडे आ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जब एसआरएच की टीम गेंदबाजी करेगी तब इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर टीम लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर टी नटराजन को इस्तेमाल कर सकती है बल्लेबाज अब्दुल समाद की जगह पर। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं इस मुकाबले की मैच प्रेडिक्शन के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात कर ले तो आईपीएल के इतिहास में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद का आमना सामना टोटल 20 मैचेस में हुआ है, जिसमें से चेन्नई सुपर किंग्स ने 14 मैचेस जीते हैं जबकि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम सिर्फ 6 मैचेस जीत पाई है। तो ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड में चेन्नई सुपर किंग्स का पलड़ा काफी भारी है। इसके अलावा जो लास्ट 5 आईपीएल मैचेस इन दोनों टीमों के बीच खेले गए हैं वहां भी सीएसके को एज हासिल है, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स ने 3 मैचेस जीते हैं जबकि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 2 मैचेस जीत पाई है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस मैदान पर दोनों टीमों की परफॉर्मेंस के बारे में। तो एमए चिदंबरम स्टेडियम पर आईपीएल के इतिहास में इन दोनों टीमों का आमना सामना टोटल 4 मैचेस में हुआ है और सभी 4 मैचेस चेन्नई सुपर किंग्स ने जीते हैं। तो इस मैदान पर सीएसके ने एसआरएच के खिलाफ कम्प्लीटली डोमिनेट किया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों टीमों की रीसेंट फॉर्म के बारे में। तो सीएसके ने जो लास्ट 5 आईपीएल मैचेस खेले हैं उसमें से 2 मुकाबले जीते हैं जबकि 3 मैचेस में हार का सामना करना पड़ा है। दूसरी तरफ एसआरएच ने जो लास्ट 5 आईपीएल मैचेस खेले हैं उसमें से 4 मुकाबले जीते हैं और सिर्फ 1 मैच में हार का सामना करना पड़ा है। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस मैच के लिए दोनों टीमों की तरफ से की प्लेयर्स की जो कि इस मैच में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और आप इन्हें अपनी फैंटेसी 11 में कैप्टन या वाइस कैप्टन भी बना सकते हो। तो अगर हम सबसे पहले बैटर्स की बात कर लें तो आप चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के साथ जा सकते हो जो कि पिछले मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ नाबाद शतक लगाकर आ रहे हैं। पिछले 10 मैचेस में 435 रन बना चुके हैं 54 के एवरेज और 142 के स्ट्राइक रेट के साथ। इसके अलावा आप शिवम दुबे को भी फैंटेसी 11 में रख सकते हो। पिछले 10 मैचेस में 344 रन बना चुके हैं 49 के एवरेज और 166 के स्ट्राइक रेट के साथ। दूसरी तरफ आप सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खतरनाक विकेटकीपर बल्लेबाज हेनरिक क्लासन के साथ जा सकते हो। पिछले 10 मैचेस में 397 रन बना चुके हैं 49 के एवरेज और 196 के स्ट्राइक रेट के साथ। इसके अलावा आप ट्रेविस हेड को भी फैंटेसी 11 में रख सकते हो। पिछले 7 मैचेस में 325 रन बना चुके हैं 46 के एवरेज और 212 के स्ट्राइक रेट के साथ। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बॉलर्स की। तो अगर हम सबसे पहले चेन्नई सुपर किंग्स के बॉलर्स की बात कर लें तो यहां से आप राइट आर्म फास्ट बॉलर मतीशा पथिराना के साथ जा सकते हो। पिछले 7 मैचेस में 15 विकेट्स ले चुके हैं 8 की इकोनॉमी और 11 के स्ट्राइक रेट के साथ। इसके अलावा आप लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर मुस्ताफिजुर रहमान को भी फैंटेसी 11 में रख सकते हो। पिछले 7 मैचेस में 12 विकेट्स लिए हैं 10 की इकोनॉमी और 13 के स्ट्राइक रेट के साथ। दूसरी तरफ आप सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर टी नटराजन के साथ जा सकते हो। पिछले 7 मैचेस में 13 विकेट्स ले चुके हैं 8 की इकोनॉमी और 12 के स्ट्राइक रेट के साथ, जबकि आप राइट आर्म फास्ट बॉलर और एसआरएच के कप्तान पैट कमिंस को भी फैंटेसी 11 में रख सकते हो। पिछले 8 मैचेस में 10 विकेट्स ले चुके हैं 8 की इकोनॉमी और 19 के स्ट्राइक रेट के साथ। और अंत में दोस्तों बात कर लेते हैं इस मैच के लिए मेरी अपनी विन प्रेडिक्शन के बारे में। तो एक तरफ चेन्नई सुपर किंग्स की टीम है जिसने आईपीएल 2024 में अभी तक 8 मैचेस खेले हैं उसमें से 4 मुकाबले जीते हैं जबकि 4 मैचेस में हार का सामना करना पड़ा है। दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद की टीम है जिसने आईपीएल 2024 में अभी तक 8 मैचेस खेले हैं उसमें से 5 मुकाबले जीते हैं जबकि 3 मैचेस में हार का सामना करना पड़ा है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अपने पिछले दोनों मुकाबले लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ हार करा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को अपने लास्ट मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ हार झेलनी पड़ी थी। आईपीएल 2024 में इन दोनों टीमों के बीच जब पहला मैच खेला गया था हैदराबाद में तो वो मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने जीता था, लेकिन ये मैच खेला जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स के होम ग्राउंड यानी कि एमए चिदंबरम स्टेडियम में।
और इस मैदान पर सीएसके का रिकॉर्ड एसआरएच के खिलाफ 100% है, यानी कि आईपीएल के इतिहास में एक बार भी एसआरएच की टीम सीएसके को इस मैदान पर नहीं हरा पाई है। और इस मुकाबले में भी साइकोलॉजिकल एडवांटेज चेन्नई सुपर किंग्स के पास होगा, तो एक बार फिर से होम सपोर्ट और होम एडवांटेज की वजह से इस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स का पलड़ा भारी है। हालांकि पिछले मैच में सीएसके को अपने होम ग्राउंड पर लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ हार का सामना जरूर करना पड़ा था, लेकिन मुझे लगता है कि इस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जोरदार कमबैक करेगी और इस मैच में सीएसके के जीतने के चांसेस मुझे ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों इस मुकाबले की जो मेरी विन प्रेडिक्शन है वो चेन्नई सुपर किंग्स के साथ ही जाने वाली है। सो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई मेरी अपनी विन प्रेडिक्शन की। आपको क्या लगता है किस टीम की प्लेइंग 11 ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है और आपके हिसाब से कौन सी टीम आईपीएल 2024 का मैच नंबर 46 जीतेगी, चेन्नई सुपर किंग्स या फिर सनराइजर्स हैदराबाद? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वहीं पर क्रिकेट मैचेस की फैंटेसी प्लेइंग 11 और क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज एंड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।